अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL 6 स्टार्ट होने वाला है, और PSL 6 के हवाले से और एशिया कप के हवाले से मैं कुछ न्यूज़ लाया हूं। PSL 6 के बकिया मैच UAE में करवाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पिछली बार भी पाकिस्तान में PSL 6 के मैच जो थे वो मुलतवी कर दिए गए थे, क्योंकि कुछ ऑफिशल्स के और कुछ खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे। इस दफ़ा UAE की हुकूमत से इजाज़त लेकर पाकिस्तान ने अपनी लीग जो है उसके मैचेस UAE में करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है, और पाकिस्तानी सुपर लीग के ये मैच UAE के मैदानों में 6 जून से 20 जून तक खेले जाएंगे। 20 को फाइनल खेला जाएगा। दूसरी जानिब बात कर लें शाहिद खान अफरीदी के बारे में, तो शाहिद खान अफरीदी के फैंस और PSL जो शाहिद खान अफरीदी की वजह से देखते हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी PSL के दूसरे हाफ में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि PSL 6 के पहले हाफ में शाहिद अफरीदी ने पार्टिसिपेट किया था, और दूसरे हाफ में उनकी कमर की इंजरी की वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे। ढलती उम्र के साथ ये इंजरी भी होती रहती है, तो शाहिद अफरीदी के लिए बुरी खबर है। दूसरी जानिब हम बात कर लें एशिया कप की, तो एशिया कप जो है वो नहीं होगा, इसकी तस्दीक कर दी गई है एशियन क्रिकेट कौंसिल की जानिब से, और एशिया कप इस बार मुलतवी कर दिया गया है। ये कहना गलत ना होगा कि एशिया कप को एक बार फिर से कोविड की नज़र कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।